एचटेट का जो पार्ट नंबर 5 है, यानी कि हमारा जो 21 क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये था अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। अर्थमेटिक मीन पूछा गया था सीरीज का, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स इनका कितना आएगा, 13 + 17 कितना होता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 और नंबर्स कितने हैं, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है, देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड। जो अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बियॉन्ड्स जो पावर है उनको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। और जो ये वर्ड है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कंपनी एक्ट में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया इसका आंसर। उसके बाद है मायर्स ब्रिज टाइप इंडिकेटर इज, जो हमारा मायर्स ब्रिज टाइप्स इंडिकेटर है वो किस से रिलेटेड है, तो वो हमारा पर्सनालिटी से रिलेटेड है। और इसमें क्या किया था मायर्स और ब्रिज ने, क्या किए थे, इंडिकेटर दिए थे पर्सनालिटी से रिलेटेड, 16 दिए थे। तो ये भी पूछा जाता कि कितने इंडिकेटर्स दिए थे, तो उन्होंने 16 इंडिकेटर्स दिए थे पर्सनालिटी से रिलेटेड। यानी कि वही क्वेश्चन जो मतलब नेट या KVS NVS में पूछे गए हैं वही रिपीट हो रहे हैं। और अगर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आगे, यानी कि उसी पॉइंट से रिलेटेड, ये नहीं कह सकते कि एज इट इज वैसे क्वेश्चन आए हुए, नहीं, थोड़ा सा उसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है दर्शनी हुंडी। देखो हुंडी इंडिया में हुंडी बोला जाता है किनको, बिल्स को। तो जो बिल्स होते हैं उन्हें इंडिया में क्या बोला जाता है, हुंडी बोला जाता है। तो इसमें देखो वाउचर, लेजर, इंश्योरेंस, ये तो किसी भी तरह से इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, बिल, डिमांड बिल क्या हो गया, दर्शनी हुंडी। क्योंकि डिमांड बिल क्या होता है, एक दर्शनी हुंडी होता है, ठीक है। बिल को ही हम इंडिया में क्या बोलते हैं, हुंडी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे स्टेट्स के भी कई क्वेश्चन आए हुए थे, इफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन सीरीज आर, देखो अर्थमेटिक मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, और क्या पूछ रखा है, मोड पूछ रखा है। तो इसे सिर्फ अगर हमें मोड का फॉर्मूला पता है तो उसे क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये इम्पीरिकल बेस है, इट मीन्स इम्पीरिकल बेस का मतलब होता है जो हमारे एक्सपीरियंस बेस होते हैं। तो जो मोड है वो किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो देखो मीडियन क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा 15, तो 3 × 15 माइनस में 2, मीन क्या दे रखा है 10, ठीक है। तो 45 माइनस 20 कितना आ गया, 25। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर इसका। तो देखो बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसके बाद क्या पूछ रखा है, देखो ये हमारा ना फाइन FM का है, उसमें क्या होती है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट का क्वेश्चन पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ डेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो MV का मतलब है क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेट, जो डेट की मैच्योरिटी पर जो वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, नेट प्रोसीड्स, जो हमारी पॉकेट में अमाउंट डला है। उसके बाद एन नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, यानी कि कितने साल के लिए हमने क्या किए, डेट इश्यू किए हैं। और आर क्या है, एनुअल इंटरेस्ट। तो जो हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं ना वो इंटरेस्ट में, देखो ऑप्शन में कहीं पे यहाँ पे माइनस दे रखा था, कहीं पे यहाँ पे माइनस दे रखा था, तो इसमें क्या ध्यान रखना है। अच्छा तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आंसर आना क्या चाहिए, देखो इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड्स निकालने के बाद जो अमाउंट होता है वो भी तो हमारा किस में, इंटरेस्ट में ही ऐड होगा ना, और उसको डिवाइड नंबर ऑफ ईयर से। जैसे कि अगर हमने 100 रुपए के इशू किए थे लेकिन हमें मिले 80 रुपए, तो जो 20 रुपए हैं वो भी तो हमारा एक तरह से लॉस ही है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो वो भी इंटरेस्ट में ऐड होगा और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे कि एक एक साल में क्या होगा, इससे एक साल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे सभी ईयर्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसको, इस पूरे को डिवाइड किससे करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, मतलब जो हमें अमाउंट बाद में पे करना है और जो मिला है उन दोनों के एवरेज को, तो वो हमारी क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो जो हमारा डी कोड था उसमें ये ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिया हुआ था, वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, वो डेवलप्ड ए मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग बैंकक्रप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशो। देखो प्रेडिक्टिंग बैंकक्रप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशो का जो मॉडल था वो किसने डेवलप्ड किया था, तो वो एडवर्ड अल्टमैन ने क्या किया था, डेवलप्ड किया था। और उसका उस जो फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूले का नाम क्या था, जेड स्कोर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे जो
एस्टेट का जो नवंबर 2019 में उसका पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह आपको 6 या 7 पार्ट्स में पूरे का पूरा पेपर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डीपली समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।